अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां जनकगंज थाना क्षेत्र में मानसिक दिव्यांग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। 16 साल की छात्रा 10वीं में पढ़ती है। कोचिंग के 55 साल के प्यून ने उसके साथ 3 महीने तक दुष्कर्म किया। घटना के बाद वह गुमसुम रहने लगी। मां ने पूछा तो इशारों और टूटी फूटी भाषा में आप बीती बताई। मां ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने भी लड़की के बयान लेने के लिए दिव्यांग पुनरावास केंद्र के स्पेशल एजुकेटर रजनी मुंद्रा का सहारा लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनकगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की 10वीं की स्टूडेंट है। वह मानसिक रूप से दिव्यांग है। वह आम बच्चों की तरह स्पष्ट बोल भी नहीं पाती। वह पास ही स्थित कोचिंग पर सुबह शाम के समय पढ़ने जाती है। यहाँ भगत उम्र 55 वर्ष नाम का प्यून है। उसकी लड़की पर नजर थी। छात्रा ने बताया कि 3 महीने पहले प्यून ने कोचिंग में दुष्कर्म किया था। किसी से कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। छात्रा उसी दिन से चुपचाप व सहमी सी रहने लगी। छात्रा ने पहले यह बात सहेली और कोचिंग टीचर को बताई। इसके बाद मां को इशारों में पूरी बात बताई। पुलिस ने उसकी मां की शिकायत पर केस दर्ज किया है। छात्रा के बयान लेने के लिए दिव्यांग पुनरावास केंद्र से स्पेशल एजुकेटर को बुलाया गया था। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया। यहां से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। घटना के बाद से छात्रा दहशत में है। उसका मानसिक विकास अन्य बच्चों की तरह नहीं हुआ है। वह अपने साथ हुए शोषण को समझती है। यही कारण है कि वह डरी सहमी है। जनकगंज थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार ने बताया कि आरोपी कोचिंग का प्यून है। मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच की जा रही है। बच्ची को बरगला कर, वो सीधी और इनोसेंट बच्ची थी, कम थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ भी दिखाई देती है, तो उसके साथ में उसने मौका पाकर गलत कार्य किया।